सीएम जयराम ठाकुर के कांगड़ा जिले के परागपुर दौरे में मंच पर सांसद अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर का आपसी विरोधाभास अब खुलकर सामने आ रहा है, जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में भला विपक्ष कैसे पीछे रहता, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने भी बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई पर चुटकियां लेना शुरू कर दी है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल सरकार में बीजेपी कई धड़ों में बन चुकी है और इससे पहले भी सरकार खुले मंचों में कई धड़ों में बंटी हुई नजर आई है। चलिए अब आपको सुनाते हैं सुजानपुर के विधायक और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा की ही जुबानी, आखिर बीजेपी सरकार में मची इस घमासान पर क्या बोले राजेंद्र राणा, सुनिए। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है आज पूरी तरह कई धड़ों में बंट चुकी है और इससे पहले ज्वाला जी में जो एक ज्वाला फूटी है, चिंगारी चली है ज्वाला जी से, आप देखिए कि इससे पहले कई जगह सरकार जो है वो धड़ों में बंटती हुई जो है वो नजर आई है। परंतु कल जिस तरीके से जसवा परागपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत जो है जो वहाँ पर जो कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन हुए और जनसभा में मुख्यमंत्री के समक्ष जो है यहाँ के जो लोकल सांसद हैं उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है और मुख्यमंत्री और सरकार को जो है काम ना करने की उन्होंने बात कही है कि सरकार इसमें कॉपरेट नहीं कर रही है, सरकार ज़मीन को जो है स्थानांतरण नहीं कर रही है। इस तरह जिस तरीके से मुख्यमंत्री और सांसद जो राज्य मंत्री भी हैं केंद्र में, उनमें जो नोक झोंक हुई है, इससे लगता है कि ये लोग जो हैं, ये सरकार जो है आपसी लड़ाई में उलझी है और प्रदेश का विकास पूरी तरह जो है थम गया है और लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सरकार को रुखसत करने के लिए प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। अभी पंचायतों के चुनाव हैं, पंचायतों में भी इनको जो है वो सबक सिखाएगी प्रदेश की जनता और आने वाला विधानसभा का जो चुनाव 2022 में होगा उसमें भी इस सरकार की जो जिस तरीके से कारगुजारी है, आपसी खींचातान है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के जो बार बार जो है सामने जो चीज़ें आ रही हैं, कभी मुख्यमंत्री हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं सांसद से तो सांसद हाथ नहीं मिलाते हैं, इस तरीके से कई तरह की और कल जो बिल्कुल ही मंचों पर जो लड़ाई है इनकी सामने आ गई है, इसे प्रदेश की जनता जो है वो देख भी रही है और प्रदेश का नुकसान भी हो रहा है और एक दूसरे को नीचे लगाने के लिए लोग जो काम कर रहे हैं इससे प्रदेश का भारी नुकसान जो है वो हो रहा है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को यह बात समझनी चाहिए और आने वाले समय में इनको सबक सिखाना चाहिए। वहीं सुजानपुर में होने वाले पंचायत चुनावों के साथ साथ पूर्व सैनिकों की पेंशन में कटौती की बात जो सरकार ने की है उस पर विधायक राजेंद्र राणा ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज ये है कि हमारी देश की सेवा करने के बाद जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनकी पेंशन को लेकर जो असमंजस पैदा हुआ है और बार बार मीडिया में ये चीज़ें आ रही हैं कि पेंशन पे भी सरकार कट लगाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी ही जो हमारे चाहे एम्प्लॉइज़ हैं चाहे हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनका डीए फ्रीज कर दिया गया है और अब पेंशन को कट लगाने का सरकार जो तैयारी कर रही है उसके विरोध में भी यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ है और 28 तारीख को सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के जो पूर्व सैनिक हैं सरकार के खिलाफ जो है सुजानपुर में प्रदर्शन भी करेंगे ताकि ये सोई हुई भूंगी सरकार जाके और लोगों के ऊपर जो है ये जो अन्याय करने जा रही है और न्याय कर रही है, जैसे कि हिंदुस्तान में किसान बिल लेके आई है जिससे किसान पूरे देश का परेशान है, उसी तरह आज पूर्व सैनिक जो हैं वो भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि हमारे भी पेंशन जो है इसको कट लगाने की सरकार तैयारी कर रही है। सैनिक देश की सेवा के लिए हमेशा इस देश की रक्षा सुरक्षा में सबसे आगे आते हैं और बॉर्डरों पे ये लोग जो हैं सेवाएं दे रहे हैं तभी हम लोग जो हैं सुरक्षित हैं। उस सिलसिले में भी 28 तारीख को सुजानपुर में जो है प्रदर्शन किया जाएगा और ताकि ये सरकार जो है जिस सैनिकों की पेंशन को लेकर भी जो कट लगाने की तैयारी कर रही है उसका भी विरोध किया जाए ताकि सरकार ये जागे। इस सिलसिले में आज बैठक हुई है और आज कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर ये फैसला लिया है। या तो रख साभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। या तो रख साया भीमा।
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।